हेलो बच्चों, कैसे हो? होप बढ़िया होंगे। माई सेल्फ अरुण खंडेलवाल और मैं लेके आया हूं मैग्नेटिज्म गुरु नीति के अंदर 2023 के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। यस, सही सुन रहे हैं आप। हमें जो लग रहा है प्रीवियस ईयर्स के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 साल में पूछे गए हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म में ये रहा आपके सामने। मैं दोनों लैंग्वेज पढ़ दूंगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे, सर दोनों लैंग्वेज पढ़ो। एक दंड चुंबक की लंबाई L है और इसका चुंबकीय द्विध्रुव बलाघूर्ण कैपिटल M है। यदि इसे आरेख में दर्शाए गए अनुसार एक चाप आकार में मोड़ दिया जाए तो इसका नया चुंबकीय द्विध्रुव बलाघूर्ण होगा। ठीक है, एक्चुअली ये बलाघूर्ण नहीं है, द्विध्रुव आघूर्णी है। ओके, नेक्स्ट इंग्लिश में देख लेते हैं। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ एल एंड मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एम इज बीइंग बैंक्ड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क एज शोन इन द फिगर। फिगर आपको दे रखा है। द न्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट विल बी, नया मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा? तो ध्यान से देखो बच्चा लोग, सिंपल सा क्वेश्चन है, आओ बात करते हैं। तो मैं जा रहा हूं सबसे पहले, यदि ये बार मैग्नेट स्ट्रेट लाइन में होती, सीधी होती, राइट, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट जिसको हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण, तो m हो गया स्मॉल m, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हिंदी के अंदर पोल स्ट्रेंथ, ध्रुव सामर्थ्य। क्या बोलते हैं हम? ध्रुव सामर्थ्य, तो स्मॉल m है, और कैपिटल m होता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो कैपिटल m और स्मॉल m में संबंध क्या होता है, पहले इस बात पर ध्यान दो। ये होता है स्मॉल m इंटू l, और L कौन सी वाली? दोनों ध्रुवों, एक ध्रुव होगा नॉर्थ पोल, एक होगा साउथ पोल, दोनों के बीच प्रभावी दूरी, इफेक्टिव डिस्टेंस बोलते हैं, L इफेक्टिव। ठीक है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन खत्म हो रहा है, राइट। यदि ये बार मैग्नेट छड़ चुंबक सीधी होती तो आपका जो इसमें बोल रखा है स्मॉल कैपिटल M बलाघूर्ण, ये एक्चुअली में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, बलाघूर्ण नहीं होता है। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा करेक्शन है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट नॉट अ टॉर्क, इट इज अ जस्ट अ मूवमेंट। ठीक है, तो कैपिटल एम जो होता है वो होता है स्मॉल एम इंटू इफेक्टिव लेंथ। यदि ये बार मैग्नेट सीधी होगी तो इसकी इफेक्टिव लेंथ एल मान लेते हैं। अब मोड़ने के बाद आप देखो, मोड़ने के बाद ये डायग्राम हो गया जिस तरह से देख पा रहे हो, तो ये जो लेंथ है ना, इफेक्टिव लेंथ, ये चेंज हो गई। अब जो इफेक्टिव लेंथ है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ध्यान से, राइट, तो नया जो एम डैश आएगा, देखो पोल स्ट्रेंथ तो चेंज नहीं हुई, आपने केवल बार मैग्नेट को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, ओके, जिसकी वजह से प्रभावी दूरी या इफेक्टिव लेंथ चेंज हुई है। कितनी हुई है ध्यान से देखना, आर आर, राइट, एक ट्राइंगल सा दिख रहा है, बिल्कुल 60 डिग्री एक एंगल। यदि दो साइड सेम है तो सामने वाले एंगल्स सेम होंगे। ठीक है, एक एंगल 60 हो गया, तीनों एंगल मिलकर होता है 180, 180 में से 60 क्या बचा, 120, 120 के बराबर दो हिस्से कर दो, 60 एंड 60, मतलब ये हो गया एक तरह से हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश में हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, मतलब अब जो नई इफेक्टिव लेंथ है वो आपकी आर ही होने वाली है। तो आपको अब निकालना क्या है, आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, एम डैश का मान कैपिटल एम के पदों में निकालना है। आओ सॉल्व करते हैं, सॉरी एम डैश निकालते हैं। यदि मैं दोनों का अनुपात ले लूं तो एम डैश बराबर आएगा आपका, ध्यान से देखो, लास्ट पेज पर था आपका, एम डैश में था आर और एम में था एल। ठीक है, तो एम डैश में था आपका आर और एम में था आपका एल, तो एम डैश अपॉन एम आर बटे एल आ गया। अब ध्यान से देखो इस डायग्राम को, ये लेंथ तो आपकी L है बार मैग्नेट की, दिस वन, ठीक है, ये रेडियस R, ये R, दिस वन R, राइट, ध्यान से समझना है ना, बहुत इजी है। और ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, आपको मालूम है आर्क अपॉन रेडियस होता है एंगल, R कितना है यहां पर, L, आर्क आपका L है, रेडियस कितनी है आपकी R, आर्क अपॉन रेडियस, चाप बटे त्रिज्या बराबर कौन, कौन आपका रेडियंस में रखना है, तो आएगा पाई बाई थ्री। तो बताओ यदि एल बटे आर आपका पाई बाई थ्री, तो आर बटे एल कितना आएगा, 3 बटे पाई। तो एम डैश बराबर एम को उधर ले जाओ,
आर बटे एल यहां से आएगा, तीन बटे पाई, ये लो आंसर, सिंपल इज दैट। ऑप्शंस देखें, कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, यस फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मेन फॉर्मूला याद रखना, अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं, एम इंटू एल इफेक्टिव। ठीक है, चलो अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत इजी है, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, मैंने सारे टॉपिक को क्वेश्चंस को जमा के रखे हैं टॉपिक वाइज। एक और देखो, आरेख में दंड छड़ चुंबकों की व्यवस्थाओं के विन्यास दर्शाए गए हैं, चार विन्यास दिखा रखे हैं, प्रत्येक चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल एम वेक्टर है। ध्यान से, कैपिटल एम और स्मॉल एम अलग अलग होते हैं सिंबल्स, बट उसने भी बोल दिया है द्विध्रुव आघूर्ण स्मॉल एम, इट्स ओके। किस विन्यास में नए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान अधिकतम होगा? इंग्लिश भी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। फॉलोइंग फिगर्स शोज द अरेंजमेंट ऑफ द बार मैग्नेट्स इन डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। ईच मैग्नेट हैज डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट स्मॉल एम, विच कॉन्फ़िगरेशन हैज हाइएस्ट नेट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन मालूम होनी चाहिए, वो होती है हमेशा S से N की तरफ। इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर होगा, इसका इधर होगा, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। दोनों की वैल्यू सेम है क्या, यस स्मॉल m स्मॉल m। रिजल्टेंट कहां आएगा, परिणामी दोनों के बीच में, 90 डिग्री पर रिजल्टेंट कितना आता है, रूट टू टाइम्स, याद कर लो। यदि दोनों का मैग्नीट्यूड परिमाण समान है तो 90 डिग्री पर परिणामी किसी एक का रूट दो गुना आएगा। ठीक, इसमें मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें एक हो गया एस से एन, एक हो गया एस से एन, कैंसल आउट, इसमें आएगा नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नेट। ध्यान से, अगला है 30 डिग्री पर। अब एक काम करता हूं, मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं। जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करने के लिए अगले पेज पे चलते हैं। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, थीटा एंगल पर, इसका मैग्नेट्यूड स्मॉल ए, इसका मैग्नेट्यूड स्मॉल ए। ठीक है, तो इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ए आर, तो याद कर लो 2a cos थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, अब आपको मालूम है cos के अंदर एंगल जितना बड़ा होता है, cos में एंगल जितना बड़ा होता है उतनी ज्यादा cos की वैल्यू कम होती है। इसलिए अब एक चीज और देखिए, c और d के अंदर एक 30 एंगल पर, एक 60 एंगल पर है, एक डायपोल मोमेंट एस से एन, एक डायपोल मोमेंट एस से एन, एक एस से एन ये रहा, एक एस से एन ये रहा, मतलब इनके बीच में एक बार एंगल 30 है और एक बार 60 है। तो बताओ 30 रखने पर कितना आएगा, थर्ड ऑप्शन में आएगा आपका रिजल्टेंट एम नेट 2m, 30 का आधा 15, cos 15 आएगा। और एक आएगा नंबर 4 एम नेट फोर्थ ऑप्शन में 2m, एंगल है 60, फोर्थ ऑप्शन में 60 अपॉन 2 30, cos 30 की वैल्यू आएगी। मैं वैल्यू लिख दे रहा हूं, 2m वाली वैल्यू तो सेम है, मेन बात है cos के अंदर एंगल, cos में यदि एंगल बढ़ेगा तो cos की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, तो 30 वाली पर वैल्यू ये कम आएगी और ये वाली 50 वाली वैल्यू ज्यादा चल जाएगी। ठीक है, चलो लास्ट पेज पर जाकर देखो कौन सा सबसे ज्यादा हुआ, उसने मैक्सिमम पूछा है। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू, तो एक तो हो गए रूट टू एम, वो कितने एंगल पर थे, 90, आप चाहो तो यहां पर 90 भी रख के देख लो अगले पेज पर। यदि आप यहां पर 90 रखोगे फर्स्ट ऑप्शन के लिए, तो आपका एम नेट दो कितना मिलेगा, फर्स्ट ऑप्शन में एम नेट मिलेगा 2m, 90 का आधा 45, cos 45, आप देख लो cos 45, cos 30, cos 15 में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 45, तो सबसे कम वैल्यूज क्या आएगी, हमें चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे कम वैल्यू, सबसे कम एंगल, सबसे कम एंगल किसमें आया, 15। तो आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, 90 वाला, 30 वाला या 60 वाला, ऑब्वियस 30 वाला। बी वाला क्यों कैंसिल कर दिया बेटा, ये तो 180 डिग्री है, जो साफ ही दिख रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। और 180 का आधा वैसे भी कितना था, 90, सबसे बड़ा एंगल यही बनेगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बेटा तीन चार चैप्टर्स में काम आता है, जहां जहां ऐसे बोल दो वेक्टर्स काम आ रहा है, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा, उनका रिजल्टेंट कितना होता है, यदि मैग्नीट्यूड सेम है तो, ये फॉर्मूला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, ध्यान से देखिए। किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा पाश लूप, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऐसे ही अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक लूप है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैं दोनों पढ़ता हूं ऑप्शन एक साथ। पहला, दो अभिविन्यासों में संतुलन हो सकता है और ये दोनों संतुलन अस्थायी होंगे। कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन एंड बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट आर अनस्टेबल। अब ऐसे ही सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, खासकर दूसरा ऑप्शन तो यही है। इसमें कहा है कि इसमें दो असंतुलन, संतुलन मतलब इक्विलिब्रियम, दो संतुलन अस्थायी होंगे। और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है कि एक संतुलन स्थायी, एक अस्थायी। आपको मालूम है टॉर्क कब जीरो होता है, तब जाकर आपको संतुलन मिलता है। टॉर्क इक्वल्स टू जीरो, और टॉर्क की वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड में होती है एम बी साइन थीटा। एम बी साइन थीटा जीरो करना है इक्विलिब्रियम के लिए, संतुलन के लिए, ठीक है। साइन की वैल्यू जीरो कहां कहां होती है, एक होती है थीटा बराबर जीरो डिग्री पर और एक होती है 180 डिग्री पर, ठीक है। इन दोनों पर दो संतुलन मिलते हैं, जिस पर भी आपको ये मालूम होना चाहिए, नहीं तो अगला मैं क्वेश्चन बता देता हूं आपको। U की जो वैल्यू होती है वो डिफाइन करती है कि आपका स्थाई होगा या अस्थाई होगा। U का मान है माइनस एम बी कॉस थीटा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू जब अभी अभी आपने पढ़ा, जब थीटा की वैल्यू अधिकतम होगी, जैसे कि आप रख दो यहां पर 180, कॉस 180 का मान कितना आएगा, कॉस 180 का मान आएगा माइनस एक, माइनस रखोगे तो यू आ जाएगा मैक्सिमम। तो थीटा बराबर 180 पर यू आपका मैक्स हो जाएगा। अब बताओ यू मैक्सिमम कहां होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर। और थीटा बराबर जीरो डिग्री आ जाएगा आपका यू मिनिमम। चेक कर लो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, माइनस एम बी आएगा सबसे कम वैल्यू आएगी। तो एक U मैक्सिमम आएगा अनस्टेबल पर, U मिनिमम आएगा स्टेबल पर, मतलब दो इक्विलिब्रियम होंगे, एक पर स्टेबल एक पर अनस्टेबल। तो फिलहाल तो मुझे सेकंड ऑप्शन पढ़ लो आप, कैन बी इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशन इन विच वन ऑफ देम इज स्टेबल एंड व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल, ठीक है। तो ये तो मुझे सही लग रहा है, बाकी मैं आपको दोनों ऑप्शन और पढ़ के बता रहा हूं कि वो गलत क्यों है। हिंदी पढ़ लो, पर सभी अभिविन्यासों में बलागुण लगता है गलत, कभी कभी बलागुण जिसको हम बोलते हैं टॉर्क जीरो भी तो हो सकता है, राइट। चाहे चुंबकीय क्षेत्र एक समान हो या असमान हो, देखो चुंबकीय क्षेत्र समान असमान पर तो दब निर्भर करे है ना, जब आप एंगल फिक्स करोगे। आपने बोला एंगल तो कोई फिक्स किया नहीं, सभी अभिविन्यास बोल दिया, तो इसको गलत हो गया ना। एक ऐसी स्थिति भी आ सकती है जहां पर ये एंगल ही जीरो हो जाए, दैट मीन थर्ड इज ऑल्सो गलत। किसी फोर्थ पढ़ते हैं, किसी एक स्थिति अभिविन्यास में संतुलन हो सकता है, भैया एक नहीं दो में होगा, क्योंकि दो एंगल आ रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। फर्स्ट में उसने कहा दोनों अस्थाई, दोनों अनस्टेबल, वो भी गलत हो गया। तो सही कौन सा हुआ, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सारे पॉइंट्स मैंने समझाए हैं, किसी को छोड़ा नहीं है, इनमें से किसी भी पॉइंट पर क्वेश्चन बन सकता है इस साल भी, ध्यान रखना मेरी बात का, ओके। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी एक असमान क्षैतिज चुंबकीय क्षेत्र में एक पतले सूती धागे से लटकाया गया एक दंड चुंबक साम्यावस्था में है। साम्यावस्था देखते बेटा दिमाग में आना चाहिए थीटा बराबर जीरो डिग्री, ओके। नाउ इसे 60 डिग्री घुमाने में के लिए किया गया आवश्यक ऊर्जा डब्ल्यू है, हां जो भी कार्य किया होगा वो डब्ल्यू हो गया होगा। अब इस चुंबक को इस नई स्थिति में बनाए रखने के लिए आवश्यक बलागुण ज्ञात करना है। इंग्लिश पढ़ लेते हैं, अ बार मैग्नेट इज हैंग बाय अ थिन कॉटन थ्रेड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री इज डब्ल्यू, ओके। नाउ द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द मैग्नेट इन दिस न्यू पोजिशन इज, तो आपको एक तरह से टॉर्क निकालना है, क्यों ना अपन बच्चे के अप्रोच से चलते हैं। साहब टॉर्क निकालना था, निकाल दो, फॉर्मूला मैंने अभी बताया एम बी साइन थीटा, थीटा गिवन है 60 डिग्री रखना है साहब, ठीक। ये लो एम बी साइन 60, साइन 60 रूट 3/2, बट क्या एम बी डब्ल्यू है, नहीं तो अब अपन को ध्यान से रखना है। टॉर्क निकाल तो लिया बट हमें एम बी नहीं मालूम, एम बी निकालने के लिए कुछ डाटा दे रखे हैं, उसने दे रखा है कि इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है।
कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आपको ऐसे बोल दो, मैं इस तरफ कर देता हूं, ठीक है, W निकालना है एनर्जी रिक्वायर्ड। ये W कहां से आया? आपने वर्क किया, इट इज अ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, बाह्य बलों द्वारा किया गया कार्य ही तो आपके लिए ऊर्जा होगी। और उसका सूत्र क्या होता है ये ध्यान रखना बच्चा लोग, ठीक है, सूत्र याद रखिए, एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। बेटा इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, थीटा वन पहले आता है कि थीटा टू पहले आता है, तो ध्यान रखो मैंने एक्सटर्नल बोला है, ठीक है, बाह्य। कॉस थीटा वन पहले कौन से एंगल पर था? पहले ही बोला उसने साम्यावस्था, थीटा बराबर जीरो डिग्री, तो यहां रखोगे आप कॉस जीरो, एम बी कॉस जीरो डिग्री माइनस। और दूसरा है थीटा टू, थीटा टू है आपका 60 डिग्री, पहले बोल दिया उसने 60 डिग्री घुमाया है, तो ये लो कॉस 60 डिग्री। अब जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, कॉस 60 की वैल्यू वन बाय टू, वन माइनस वन बाय टू, यू विल बी फाइंड दैट एम बी बाई टू। तो एम बी बाई टू की तो वैल्यू आपकी डब्ल्यू है, देख रहे हो, और आपको चाहिए टॉर्क, उसमें एम बी चाहिए, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है ना डब्ल्यू की टर्म्स में, तो क्या करें, एम बी की जगह टू डब्ल्यू रख दूं, तो एम बी की जगह टू डब्ल्यू रख दो। जैसे यहां टू डब्ल्यू रखोगे, देखो टू से टू गया, ये कट गया, ठीक है, और क्या बच गया, रूट थ्री डब्ल्यू। इट्स सो सिंपल इज दैट, रूट थ्री डब्ल्यू क्या ऑप्शन में है? यस, रूट थ्री डब्ल्यू हमारे पास ऑप्शन में है। इजी लगा? है इजी, एक फॉर्मूला डब्ल्यू का, एक फॉर्मूला टॉर्क का। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा लोग। ओके, ये नीट 2019 में आया हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, नीट ने इसके अंदर आंसर कुछ और दिया था, जब बच्चों ने अपना रेफरेंस दिया एनसीईआरटी का तो नीट ने माना, कुछ करेक्शंस किए हैं। ध्यान से देखिए, इस बात से प्रूफ होता है कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। पृथ्वी के पृष्ठ के किसी बिंदु ए पर नति कोण डेल इक्वल टू प्लस 25 डिग्री है, ठीक है, पृथ्वी के किसी अन्य बिंदु बी पर नति कोण डेल इक्वल टू माइनस 25 डिग्री है। हम यह व्याख्या कर सकते हैं कि अब आपको इन सारे ऑप्शंस में यह बताया गया है कि कौन सा उत्तरी गोलार्ध में, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में, थोड़ा सा इंग्लिश में देख लेते हैं, है ना। एट अ पॉइंट ए ऑन द अर्थ सर्फेस द एंगल ऑफ डिप डेल इक्वल टू प्लस 25 डिग्री, एंड एट अ पॉइंट बी ऑन द अर्थ सर्फेस द एंगल ऑफ डिप इज डेल इक्वल टू माइनस 25 डिग्री। वी कैन इंटरसेप्ट इंटरप्रेट वी कैन इंटरप्रेट दैट हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, आप क्या समझ सकते हैं, क्या व्याख्या कर सकते हैं, कौन सा पॉइंट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है, कौन सा साउदर्न हेमिस्फीयर पर है। फोकस करना, मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से बनाने की कोशिश करता हूं। ये रहा आपका अर्थ, ओके, ये मेरी अर्थ बना दी मैंने, ये आपका हो गया इक्विटोरियल प्लेन, ये हो गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो गया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जैसे ही आप नॉर्दर्न में जाओगे तो आपने जो एनसीईआरटी में डायग्राम्स बनाए हुए हैं कि आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट, जैसे आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करोगे तो मैग्नेट थोड़ी सी डिप हो जाती है लाइक दिस, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना नीचे गए, जिसको आप थीटा बोल दो, या यहां पर बोला गया डेल, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आपको मालूम है कि जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो नॉर्मली वाई एक्सिस को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो इस तरह से हमने इसको पॉजिटिव एंगल मान रखा है। यदि कोई इसको यदि ऐसे मानता है कि नहीं नहीं ये तो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उससे मतलब नहीं है, यहां मतलब है कि आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गए हैं तो ये एंगल होता है प्लस पॉजिटिव, और साउदर्न में जाओगे तो आपको हॉरिजॉन्टल से कुछ इस तरह से मिलेगा एंगल डेल, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ। मान लो आपने फ्रीली सस्पेंड करी नीडल को तो ये ऐसे मिलेगी, मतलब इसका जो पॉइंट है ना, पॉइंट वो ऊपर की तरफ होगा, नॉर्थ वाला पॉइंट, तो नॉर्दर्न पार्ट ऊपर जाएगा, साउदर्न पार्ट नीचे जाएगा, तो इस वजह से इसको तो हम नेगेटिव काउंट करते हैं और इसको करते हैं पॉजिटिव काउंट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पॉजिटिव, साउदर्न में नेगेटिव, तो उत्तरी गोलार्ध में ए स्थित है ऑब्वियस, क्योंकि ए पॉजिटिव है और बी दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इंग्लिश में
ए लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और बी इज द साउथर्न. इसका आंसर कुछ उल्टा दिया गया था. फिर जब एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया गया तब नीट ने करेक्शन किया. ठीक है, तो ध्यान दीजिए. इसलिए हम बोलते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, भैया एनसीईआरटी पढ़ो. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर. ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत टेक्निकल लेवल में चल जाता है क्वेश्चन, पर जिन बच्चों को मालूम था उनके लिए बहुत इजी था. यदि एक दूसरे से लंबवत दो ऊर्ध्वाधर समतलों में प्रेक्षित आभासी नमन या नति कोण थीटा वन व थीटा टू है तो वास्तविक नति कोण या नमन कोण का मान किस समीकरण से प्राप्त होगा. समीकरण दे रखिए. ठीक है, इधर देख लो. इफ थीटा वन एंड थीटा टू आर द अपेरेंट एंगल्स ऑफ डिप ऑब्जर्व इन द टू वर्टिकल प्लेन्स एट राइट एंगल्स टू ईच अदर देन द ट्रू एंगल ऑफ डिप थीटा इज गिवन बाय. समझिए, नॉर्मली हम जो डिप एंगल दिखाते हैं वो दिखाते हैं यहां से कि मैग्नेटिक फील्ड हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसको डिप एंगल मैं पॉजिटिव ही मान रहा हूं. ये मेरा एक्चुअल डिप एंगल है थीटा. इसके दो कंपोनेंट होते हैं आपको मालूम है, एक होता है बीएच, एक होता है बीवी, वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ठीक है, अब उसने दो लिए हैं वर्टिकल प्लेन्स, तो मैं कलर चेंज करना चाहूंगा. ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेते हैं एक बार. तो देखो बच्चा लोग, एक प्लेन तो ये वाला है, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, अच्छे से समझाते हैं इसको. ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से देखिए, आपके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं. ओके, तो एक प्लेन तो हो गया रेड कलर से, एक हो गया ब्लैक कलर से. ठीक है, अब ये जो एंगल बोला गया है ये, इसको नाम दे देते हैं अपन थीटा वन. थीटा वन एंड थीटा टू, तो पहले थीटा वन की बात करते हैं कि अपरेंट प्लेन बनाया मैंने, कोई नया प्लेन. नॉर्मल जो भी प्लेन होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय याम्य होता प्लेन होता है ये रेड वाला जो है. एक नया प्लेन बोल दिया मैंने, किसी मैग्नेट को फिक्स किया, भैया तुझे इसी प्लेन में घूमना है और किसी प्लेन में नहीं घूमना. ठीक है, तो जो जिस नया अपेरेंट प्लेन में घूमना है, तो आप ध्यान से देखिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका बीवी जो होगा ना, आप देख सकते हो दोनों का बीवी सेम होगा. जो केवल चेंज आएगा वो आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, उसको मैं नाम दे रहा हूं बी एच डैश. ठीक है, अब उस प्लेन के अंदर जो एंगल है, राइट, थीटा वन थीटा टू अपेरेंट एंगल ऑफ डिप ऑब्जर्व इन दैट टू वर्टिकल प्लेन्स, उस वर्टिकल प्लेन में जो डिप एंगल आएगा, जिसको मैं एक काम करता हूं यार ब्लैक पेन से दिखा देता हूं, दिस वन, ये वाला है जो एंगल है वो थीटा वन है. तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैं ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को. बहुत इजी क्वेश्चन है बट मैं इसको टेक्निकली समझाने की कोशिश कर रहा हूं. एक थीटा वन वर्टिकल प्लेन है कोई नया, ठीक है, उसमें थीटा वन है और एक्चुअल प्लेन में थीटा है, दोनों क्या है नति कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप. ठीक है, अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिप जो है वो है आपका थीटा एक्चुअल और थीटा वन वर्चुअल. ठीक, अब ये जो बी एच का एक नया कंपोनेंट है बी एच डैश, हम एंगल ऑफ डिप निकालते कैसे हैं, देखो नॉर्मली हम निकालते हैं एक्चुअल प्लेन में टेन थीटा इक्वल्स टू बीवी अपॉन बी एच. ठीक है, अब मैं इसका वापस से कलर चेंज करता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि रेड कलर इज मोर हाईलाइटेड. ठीक है, रेड से ही काम करते हैं अपन. ओके, नाउ अगले पेज पे चलते हैं. तो उस वर्टिकल न्यू अपेरेंट प्लेन में क्या होगा, अपेरेंट प्लेन में ये लो टेन थीटा डैश बीवी अपॉन बी एच डैश, और बीवी तो आपका वही है सेम, बी एच डैश जो है आप ध्यान से देखिए बी एच डैश क्या है, ऐसे लगेगा कि बी एच का एक कंपोनेंट बी एच डैश है. ठीक, तो मैं यहां लिख रहा हूं बी एच का एक कंपोनेंट कॉस, अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो एंगल के लिए मैं काम करता हूं, इसको एक नया एंगल मानता हूं, इन दोनों प्लेन के बीच में ये जो एंगल है इसको मैं डेल मान लेता हूं. ठीक है, या आप चाहो तो अल्फा मान सकते हो, यहां पर अल्फा कुछ डिफाइन नहीं है, चलो मैं मान लेता हूं अल्फा, कॉस अल्फा, बी एच का कॉस अल्फा हो गया. तो एक तो हो गया आपका ये वाला फॉर्मूला टेन थीटा वाला,
ठीक है, और tan का क्या है बीवी अपॉन बी एच। चलो तो बीवी अपॉन बी एच अपन tan थीटा, तो ये बन गया नया फॉर्मूला tan थीटा डैश इक्वल्स टू tan थीटा, जो कि थीटा एक्चुअल नति कोण था, एक्चुअल एंगल ऑफ डिप था, cos अल्फा। ये फॉर्मूला बच्चा लोग जिसको याद है ना वो तो इस क्वेश्चन को खींच ले गया, और जिसको याद नहीं था वो यहां तक पहुंचने में टाइम वेस्ट कर गया, ऐसे बोल दो। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया उस साल, बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई। बट मैं ये बोलना चाहता हूं कि हम क्लासेस में यहां तक तो बच्चों को छोड़ ही देते हैं, ये याद करना ही है। अब उसने ये बोला देखो कि भाई एक नहीं है दो वर्टिकल प्लेन है। अब मैं एक काम करता हूं आपके लिए, खास आपके लिए मैं कलर चेंज कर रहा हूं, अब मैं कोई एक नया कलर ले रहा हूं लाइक ग्रीन, ठीक है। अब वो एक और प्लेन है यहां पर ग्रीन, ये देखो ध्यान से, ठीक है, ग्रीन और ब्लैक के बीच में एंगल है 90, रेड और ब्लैक के बीच में एंगल है अल्फा। तो बताओ रेड और ग्रीन के बीच में कितना एंगल हो गया, जल्दी बोलो 90 माइनस अल्फा। वापस सुन लो, ग्रीन और ब्लैक के बीच में 90 एंगल है, और रेड जो है वो बीच में आ रहा है, तो रेड और ब्लैक के बीच में एंगल अल्फा है, तो दूसरा एंगल कितना हो गया रेड और ग्रीन के बीच में 90 माइनस अल्फा। बस यहां तक समझ में आया, क्वेश्चन खत्म, अगले पेज पर। और मैं कलर वापस लेके आता हूं आपके लिए रेड। तो ये हो गया tan थीटा डैश। उसने बोला, उसको थीटा वन भी कहा उसने, हमने थीटा डैश बोल रखा है, उसने थीटा वन कहा है, तो मैं चाहूं तो यहां पर थीटा डैश चलने दो, हम क्लासेस में थीटा डैश ही करवाते हैं। एक दूसरा एंगल और है दूसरे वर्टिकल प्लेन में, ठीक है साहब, tan थीटा डबल डैश, जिसको इस क्वेश्चन में थीटा टू बोला गया है, ये आ गया tan थीटा अपॉन। अब बताओ ये जो अल्फा था उन दो प्लेन के बीच में एंगल, अब बताओ यदि दो प्लेन है ऐसे, तो ग्रीन और, वापिस देख लो, ग्रीन और रेड के बीच में कितना एंगल था 90 माइनस अल्फा। तो अब आप नए प्लेन में जाओगे, तो जैसे आप नया एंगल रखोगे तो अल्फा की जगह क्या रख दोगे 90 माइनस अल्फा। मैं क्या बोल रहा हूं, यदि जिसको यह चीज याद थी ना वो सीधा यहां पर अल्फा की जगह कॉस 90 माइनस अल्फा रखा, ठीक है, दूसरा इक्वेशन बनी, और दोनों इक्वेशन से उसको निकालना था थीटा डैश, थीटा डबल डैश और थीटा के बीच में रिलेशन। यहां से आएगा कॉस अल्फा, यहां से आएगा साइन अल्फा, कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है साइन अल्फा। तो मैं आपको प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं, तो प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए मुझे वापस क्लियर करना पड़ेगा, तो याद रख लो इसको, ठीक है, मैं वापस पूरा क्लियर कर अब ध्यान से देखिए, पहली इक्वेशन कौन सी थी आपकी थीटा डैश, जिसको अपन ने इस इक्वेशन में थीटा वन मान रखा है, वो थी आपकी tan थीटा अपॉन cos अल्फा कॉमा, दूसरा था tan थीटा डबल डैश, जिसको मैं tan थीटा टू रख रहा हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये बन गया tan थीटा अपॉन sin अल्फा, वो कि था वो cos 90 माइनस अल्फा, वो क्या बन गया था sin अल्फा। अब मुझे अल्फा के बीच में रिलेशन नहीं चाहिए, थीटा थीटा वन थीटा टू के बीच में रिलेशन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, ये अल्फा हटाओ। कैसे हटाओगे, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या एक होता है, टेंथ क्लास की प्रॉपर्टी, बस यहां से वैल्यू रख दो, साइन अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, टेन थीटा अपॉन टेन थीटा टू का होल स्क्वायर, कॉस अल्फा की वैल्यू टेन थीटा अपॉन टेन थीटा वन, सही है, स्क्वायर इक्वल्स टू वन, टेन स्क्वायर कॉमन ले लो, डिवाइड कर दो, वन अपॉन टेन स्क्वायर, बोलो कॉट स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा वन अपॉन टेन थीटा टू, टेन थीटा टू ऊपर जाके हो जाएगा कॉट थीटा टू, कॉट थीटा टू का स्क्वायर, और यहां से आएगा कॉट थीटा वन का स्क्वायर, सारे कॉट कॉट के फंक्शंस आ गए एक लाइन में, एक तरफ आ गया कॉट स्क्वायर थीटा टू प्लस कॉट स्क्वायर थीटा वन, और दूसरी तरफ आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। लेट चेक कौन से ऑप्शन में है, कॉट ही कॉट होनी चाहिए, यस दो ऑप्शंस में है, इसमें माइनस है, बीच में क्या आया था प्लस। व्हाट इज थीटा, एक्चुअल प्लेन के अंदर
एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन नथी कोण थीटा। थीटा वन एक नए वर्चुअल प्लेन में एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नथी कोण थीटा वन। थीटा टू मैंने दिखाया नहीं है इसमें, आप चाहो तो ग्रीन कलर से एक बार और डिफाइन कर देता हूं मैं आपके लिए ग्रीन कलर से। ये वाला जो एंगल बनेगा यहां से दिस वन, ठीक है, इस प्लेन में नया नथी कोण, उसको नाम दिया है थीटा टू, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका सारे क्वेश्चंस। और हाईलाइट कलर कौन सा लेना है, रेड कलर लेना है। तो थीटा वन और थीटा टू तो दो लंबवत या परपेंडिकुलर प्लेन्स में एंगल ऑफ डिप है, नथी कोण है, और एक्चुअल कौन सा है थीटा, तो उनके बीच में रिलेशन ये हो गया। इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, इस साथ इस पर भी आ सकता है, और जो मैंने ये लाया फॉर्मूला दिस वन, ठीक है, इसका जो अगला फ्रेम था अगले पेज पर ये वाला फॉर्मूला। जरूरी है वो हर बार दो प्लेन दे, एक प्लेन से भी काम चल सकता है। चलिए अगले पेज पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ईजी है। चुंबक की प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, पहला ऑप्शन केवल अनुचुंबकीय पदार्थों के लिए, दूसरा केवल लोह चुंबकीय पदार्थों के लिए, तीसरा अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय दोनों पदार्थों के लिए, या फिर केवल प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। इंग्लिश में देखो, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फोर, पहला पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दूसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तीसरा पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, एंड फोर्थ इज डायमैग्नेटिक मटेरियल ओनली। अब पहले तो यह मालूम होना चाहिए कि चुंबकीय प्रवृत्ति या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती क्या है, राइट? ये होती है जाय, राइट? और जाय की वैल्यू होती है नेगेटिव डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, जाय की वैल्यू नेगेटिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिट। इसका मीनिंग यह है कि जब आप किसी मटेरियल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, तो जब रखने से पहले तो वो यूनिफॉर्म था, पर जैसे रखोगे तो वो आपको प्रतिकर्षित करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को दूर भगाने की कोशिश करेगा। वो चाहेगा नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से गुजरे, वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागने की कोशिश करेगा, तो खुद भागेगा या मैग्नेटिक फील्ड को दूर करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यह है कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल या फिर प्रतिचुंबकीय पदार्थ, सॉरी डायमैग्नेटिक मटेरियल या फिर प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करते हैं, अपोज करते हैं, इसलिए इनकी जाय की वैल्यू नेगेटिव। चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक को कितनी आप अपने अंदर रख सकते हो, वो प्रॉपर्टी। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है, साहब मेरी प्रवृत्ति तो ऋणात्मक है इसके लिए, इसका मतलब मैं उससे दूर हटना चाहता हूं, ये मीनिंग होता है ऋणात्मक का और पॉजिटिव का, ठीक है। तो यहां पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ कैसा बिहेव करते हैं, अपोजिशन टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स व्हाई दीज मटेरियल्स आर हैविंग देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव, ठीक है। चलो अगले पेज पे चलते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन, अरे वाह लेटेस्ट क्वेश्चन है, इसी टॉपिक से है, आइए देखते हैं क्या है। 599 धारणशीलता को किसी लोहे की छड़ पर 1200 एम्पियर प्रति मीटर तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है, इस छड़ के पदार्थ की पारगम्यता है, म्यू नॉट आपको दे रखा है, ठीक है। आओ थोड़ा सा इंग्लिश में देखते हैं, एंड आयरन रॉड इज ससेप्टिबिलिटी ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर, द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड विल बी, परमिबिलिटी कितनी होगी। तो आओ स्ट्रेट चलते हैं, परमिबिलिटी का फॉर्मूला तुम्हें कितने लोगों को याद है यार, फॉर्मूले बताओ तुम तो, म्यू नॉट इनटू म्यू आर पहला फॉर्मूला। अब म्यू नॉट तो दे रखा है, म्यू आर हमें क्या मालूम, जब म्यू आर नहीं मालूम तो लगाओ दिमाग, म्यू आर जाई दे रखा है आपको ससेप्टिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, म्यू आर की वैल्यू होती है 1+ जाई। आया याद, यस खत्म हो गया क्वेश्चन, अब क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर लो, म्यू नॉट की वैल्यू 4π × 10⁻⁷ 1+ जाय, अरे वाह 1+ जाय कितना है 600। आओ जी आओ सॉल्व करते हैं, दो जीरो तो ये रही,
दो जीरो कट जाएंगी, 10 की पावर माइनस 5 आएगा, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 24 पाई आएगा, एक जीरो और निकाल दो, 10 की पावर माइनस 4 हो जाएगा और 6 इंटू 4 24 2.4 पाई है क्या ऑप्शन में? अरे वाह क्यों नहीं है, थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन है राइट। तो क्या सीखा? एक तो उसने बेफ को बना दिया मैग्नेटिक फील्ड देकर, ध्यान से सिंपल सा फॉर्मूला था, 1 प्लस जाई से म्यू आर और म्यू आर को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करके म्यू, आंसर सामने है आपके। ठीक है, कैसा लगा? अच्छा लगा, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो बच्चों अगला टॉपिक है अपना ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आइए इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं, नीट 2016 में आया हुआ प्रश्न। किसी लंबी प्रणालिका में फेरों की संख्या 1000 है, जब इस प्रणालिका से 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तब इस प्रणालिका से इस प्रणालिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स 4×10⁻³ वेबर होता है। इस प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ लॉन्ग सॉलिड हैज 1000 टर्न्स व्हेन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोस थ्रू इट। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न, ध्यान से देखिए ईच टर्न लिखा हुआ है, ईच टर्न ऑफ द सॉलिड इज 4×10⁻³ वेबर, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सॉलिड इज। तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप बताइए बच्चा लोग। सेल्फ इंडक्टेंस फाई इक्वल्स टू एल आई सुना होगा, बट फाई जो है वो है एक फ्लक्स से रिलेटेड यहां पर, और एस एक लूप से रिलेटेड, और ऐसे कितने सारे लूप्स हैं, बहुत सारे लूप्स हैं, तो एन फाई इक्वल्स टू एल आई। ठीक है, यहां से आप एल निकाल सकते हो, तो एन फाई अपॉन आई, एन कितना है 1000, ठीक है, और फाई कितना है एक लूप से रिलेटेड है, ध्यान रखना, इसलिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 4×10⁻³ अपॉन आई, आई कितना है 4 एम्पियर, 4 से 4 गया, 1000 से 1000 गया, ये आ गया आंसर 1, और एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट होती है हेनरी, 1 हेनरी इज द आंसर। इजी लगा? इजी ही है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 2019 में आया हुआ है, ये भी बहुत इजी है, आओ देखते हैं। प्रभावी क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर की 800 फेरो वाली कोई कुंडली 5×10⁻⁵ टेस्ला के किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है। ठीक है, जब इस कुंडली के तल को 0.1 सेकंड में किसी समतलीय अक्ष के चारों ओर 90 डिग्री पर घूर्णित किया जाता है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो कुंडली है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है और इसका शायद जो रेडियस वगैरह वो दे रखा है, क्षेत्रफल ही दे रखा है डायरेक्ट। तो ये देखो, ये कुंडली मैंने मान ली, कुंडली के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है, एरिया वेक्टर भी इसके साथ ही हो जाएगा, अर्थात जो फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम आएगा फाई इनिशियल बी इंटू ए, क्योंकि कॉस हो जाएगा जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1। ठीक है, अब बात करते हैं कितना आ रहा है वो निकाल लेते हैं, बट उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हम निकालना क्या चाहते हैं। यार हम निकालना चाहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ, और ईएमएफ निकालने के लिए आपको चाहिए चेंज इन फ्लक्स की रेट डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। एक फाई तो आ गया, अब एक फाई और निकालना है, तो पहले इस फाई को निकाल लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, बी कितना दे रखा है आपको, ये रहा 5×10⁻⁵ और एरिया है आपका 0.05। ठीक है, तो 25 और 10⁻⁷ −7 −7 10⁻⁷। ठीक है, मैं दोनों मीडियम में बोल रहा हूं भाई, तुम्हारे ही प्रॉब्लम्स थी कि सर 10⁻ क्या होता है, तो 10⁻⁷ बोलते हैं उसको। ये तो आ गया फ्लक्स इनिशियल, अब बात करते हैं फ्लक्स फाइनल। उसने बोला 90 डिग्री घुमा दिया, तो पहले तो ये स्थिति थी, अब 90 डिग्री घुमाने के बाद ये स्थिति हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ये रहा, उसने ये और कहा, देखो ध्यान से एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, समतलीय अक्ष के चारों ओर कोप्लेनर एक्सिस, व्हाट द मींस ऑफ कोप्लेनर एक्सिस, आइए इस पर भी बात कर लेते हैं।
ये जो प्लेन है इसका, या तो ये वाली एक्सेस या फिर इसके ये वाली एक्सेस, इसी प्लेन में से गुजरने वाली, तो मैंने इस एक्सेस को लिया है, इस वाली एक्सेस को, तो मैंने, आप ऐसे बोलो ये रहा, ठीक है, इसी कार्ड को लेते हैं, जरूरी है सर्कुलर हो, ये पहले ऐसे रखा हुआ था, मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कुछ ऐसे घुमा दिया, तो पहले तो क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में थे, जैसे इसको 90 डिग्री घुमाया, अब क्षेत्रफल सदिश एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर ऊपर की ओर, ए वेक्टर, अब बी और ए के बीच में एंगल हो गया 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, अब कोई फ्लक्स नहीं आएगा, फाई फाइनल इक्वल्स टू बी इंटू ए और कॉस 90 0, ठीक है। अब हमको चाहिए ईएमएफ, ईएमएफ है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, मैं केवल मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, तो एक फ्लक्स तो जीरो हो गया, एक फ्लक्स हमारे पास है, तो जो भी फ्लक्स है उसमें टाइम का डिफरेंस डिवाइड कर दो, पॉजिटिव नंबर चाहिए ना, मोड़ लगा रखा है। फ्लक्स अभी अभी लास्ट स्पेस पे कितना आया था, लास्ट स्पेस से कितना फ्लक्स आया था, 25 × 10⁻⁷ - 7, 25 × 10⁻⁷ - 7 में टाइम, टाइम कितना दिया था देख लो बच्चा लोग, टाइम कहां है, 0.1 सेकेंड, ठीक है, तो 0. अच्छा, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, अरे वाह, ये चीज ध्यान रखना, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे रखे हैं, तो हम जो फ्लक्स निकाल रहे हैं वो एक लूप से निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एन से, ठीक है, तो यहां नंबर ऑफ टर्न्स है 800 और टाइम है 0.1 सेकेंड। अब देख लो, तो 0.1 हो गया 10⁻⁻¹, -6 बच गया, 2 0 और आ दो, -6 में से -2 गए तो हो गया -4, और ये 25 × 8 हो जाएगा आपका 200 में, और सामने जाएगा 10⁻⁴, तो 1 2 3 एंड दिस 0.02 आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं ऑप्शन में है क्या, होना तो चाहिए, यस 0.02 वोल्ट, ठीक है, जो मैंने मिस किया वो ध्यान रखना, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे हैं उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाई जो इनिशियल है ये एक लूप से रिलेटेड है, आपको ये बात नहीं, यहां लगा दो एन, एक लूप से रिलेटेड कितना फ्लक्स चेंज हुआ उसको एन से एक बार मल्टीप्लाई करना है एन से, कहीं फाई निकालो उसमें भी एन डाल दो, फिर वापिस में एक और एन डाल दो, एक ही एन आएगा ना। चलो अगले क्वेश्चन पे तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। 1 मीटर भुजा एवं 1 ओम प्रतिरोध वाला एक वर्गाकार घेरा 0.5 टेस्ला वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, रखे रहने दो, यदि इस घेरे का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, जैसा कि लास्ट दिन आया था, तो घेरे से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। चलो सिंपल सा है, तल जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तल जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, ठीक है, मतलब जो इसका एरिया वेक्टर होगा वो भी बी वेक्टर के साथ होगा, ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टली लाइक दिस, ठीक है, ये इस तरह से, ये इसका तल है और तल के लंबवत आपका चुंबकीय क्षेत्र, तो अब एरिया वेक्टर भी वहीं पे होता है, तो यहां आएगा फाई मैक्स, और फाई मैक्स होता है बी इंटू ए, बी कितना दे रखा है 0.5 टेस्ला, एरिया कितना दे रखा है 1 मीटर भुजा, तो एरिया होगा कौन सा, ये वर्गाकार, थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, अच्छा बुरा मत मानो, इंग्लिश में पढ़ना भूलिया, अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 1 मीटर एंड रेजिस्टेंस 1 ओम इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.5 टेस्ला इफ द प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है, 0.5 × एरिया, एरिया के लिए स्क्वायर लूप है तो आप साइड का स्क्वायर कर सकते हो, 1 मीटर का स्क्वायर 1 आ जाएगा, आंसर 0.5 ही आएगा, 0.5 वेबर, फ्लक्स की यूनिट ऐसा यूनिट वेबर होती है, ठीक है, इजी लगा, लास्ट ईयर क्वेश्चन तुम देख लो, इसलिए हम जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स पर कि भाई इतने इजी आ रहे हैं ये तो कर लो, काय की टेंशन ले रहे हो, ओके ये देखो रीनीट में आया क्वेश्चन,
अच्छा क्वेश्चन डाल सकते थे ना, उनके पास कमी थोड़ना है अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो तुमसे नहीं हो पाए, लेकिन नहीं उसने वही डाले कि भाई एलिमेंट्री नॉलेज आपको आती नहीं आती, ये आपको आता नहीं आता कि फ्लक्स से आप ईएमएफ कैसे निकालोगे। क्वेश्चन पढ़ो, आठ त्रिज्या वाली वृत्ताकार कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स निम्नवत है। साफ फ्लक्स का एक फंक्शन दे रखा है और यूनिट भी दे रखी है आपको। टी बराबर 5 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ का परिमाण याद निकाल दो। निकाल देंगे साहब, आओ देखते हैं इधर भी। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इज, एक फंक्शन दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट टी इक्वल्स टू 5 सेकंड इज, 5 सेकंड पर कितना फ्लक्स इंड्यूस्ड हुआ, सॉरी ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ। तो बच्चा लोग ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाई बाई डी टी। अब देखो कोई भी ऑप्शन में माइनस है क्या, नहीं है ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है वो, परिमाण की बात कर रहा है। ठीक है आप फॉर्मूला यूज करो, तो बस ध्यान देना ना ऑप्शन को भी देखते हुए। चलो तो मॉड ले लो, चलो डिफरेंशिएट करो फ्लक्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। 3 दुनी का 6 टी स्क्वायर प्लस 4 दुनी का 8 टी, 2 टी का डिफरेंशिएशन 2, 5 का हो गया 0। अभी आंसर नहीं आया है ना, अब रखना है 5 का मान। पब्लिक पहले रख देती है 5 का मान, 5 पहले रख देगी फ्लक्स निकाल लेगी, फिर 5 का और डिवाइड देगी। फ्लक्स अपॉन टाइम, सर यही तो होता है ईएमएफ, वो एवरेज होता है। इसने कहीं एवरेज बोला है, नहीं, जब कुछ नहीं बोलता तो हम क्या मानते हैं, इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक मानते हैं। ठीक है तो पहले अवकलन करो, ईएमएफ निकाल लो और फिर उसके बाद मान रखो। रखें, बोलो बोलो रखें, कौन सा मान रखना है, टी बराबर 5 रखना है। तो टी बराबर आप यहां पर दिखाओ, टी बराबर 5 रख दीजिए, आइए रखिए टी का मान 5 रखिए। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 6 150, 5 8 पंजे 40 और 2 कितना आ रहा है 192, 192। इजी, पूरा अच्छे समझाया है, कोई जल्दी नहीं की है मैंने। ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे इस साल भी, बाकी आप देख लो, हम पर तो आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, जो हम बोले फिर हमारे बच्चे निकल जाएंगे ना सीएलसी वाले ही। तो हम यदि आपको YouTube पर फ्री दे रहे हैं तो हम चाहते हैं, हमारा बहुत अच्छा मकसद भी है, आप सब बच्चे इसको देखो समझो और जुड़ो हमसे। ठीक है, यहां बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रमोशन तो हो गया। 1000 घेरों एवं 10 मीटर की औसत त्रिज्या वाली एक बड़ी वृत्ताकार कुंडली अपने क्षैतिज व्यास के सापेक्ष 2 रेडियन प्रति सेकंड की दर से घूम रही है, घूमने दो। यदि उस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक का मान इतना दे रखा है, जो भी मान दे रखा है, एवं कुंडली के विद्युत प्रतिरोध का मान भी दे रखा है, तो कुंडली में प्रेरित धारा का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में देख लो, अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स एंड एवरेज रेडियस ऑफ 10 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल डायमीटर राइट एट 2 रेडियन पर सेकेंड। मान लो ये सर्कुलर डिस्क है, हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऐसे हॉरिजॉन्टल और ऐसे घूम रही है लाइक दिस राइट, इस प्लेन में घूम रही है। ठीक है, जब इस प्लेन में घूमेगी हॉरिजॉन्टल डायमीटर होगा तो ये वर्टिकल प्लेन को काटेगी, वर्टिकल प्लेन में आने वाले ऊर्ध्वाधर तल में आने वाले चुंबकीय क्षेत्रों को ही काटेगी राइट, इतनी हिंट दे रहा हूं। नाउ इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज गिवन एंड द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 12.56 ओम देन द मैक्सिमम इंड्यूस करंट इन द कॉइल विल बी। तो मैक्सिमम इंड्यूस करंट निकालनी है। वैसे मैं आपको इस अगले पेज पे चलता हूं और एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूं। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको चाहिए ई मैक्स, तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन बी ए ओमेगा साइन या कॉस, जो भी आपको फंक्शन अच्छा लगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इनिशियल फेज भी हो सकता है राइट, अपॉन में कुछ नहीं आता। ठीक है यही आएगा, यही फॉर्मूला है ई का फॉर्मूला ये है। ठीक है ये आता है आपका एसी जनरेटर में, ये फॉर्मूला भी आता है। अब बात ये है कि आपको निकालना क्या है,
आपको निकालना है मैक्सिमम करंट। यदि मैं यहां पर मैक्सिमम करंट की बात करूं ई मैक्स, तो आप लिख सकते हो कि उसको ई मैक्स में आर डिवाइड कर दो। साइन कॉस के फंक्शन तो चलते रहेंगे, साइन और कॉस के मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इनको हटा दो और आगे जो लिखा हुआ ये इसका एम्पलीट्यूड बोल दो, एन बी ए ओमेगा, आर डिवाइड कर दो। ठीक है, अब आप वैल्यूज देखे जाओ लास्ट पेज पर। एन कितना दे रखा है 1000, मैंटीफील्ड कितना दे रखा है 2 × 10⁻⁵ एरिया कितना, एरिया 10 मीटर का औसत रेडियस है यार, औसत त्रिज्या रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर रख लो, सर्कुलर है लिखा हुआ ही है ना, सर्कुलर कॉइल, तो पाई आर स्क्वायर आर 10 मीटर, पाई आर स्क्वायर, ओमेगा अपना दिखा था अभी 2 लिखा हुआ था, ये तो मुझे याद है। रेजिस्टेंस देख लो, रेजिस्टेंस मुझे याद नहीं है, रेजिस्टेंस कितना दे रखा था 12.56। अब ध्यान देखो बेटा, ये जो नंबर है ना 12.56 बहुत फेवरेट है यार, 4 पाई होता है ये, तो 12.56 क्यों लिखो, उसको 4 पाई लिखो ना, पाई की वैल्यू 3.14 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो 12.56 ही आएगा, तो इसलिए 4 पाई लिखो। अब आप देखो एन बी ए इंटू ओमेगा, एन आ गया, बी आ गया, एरिया आ गया, ओमेगा आ गया, अब देखो पाई से पाई गया, 2 × 4, 4 भी गया, 1000 और 2 ये हो गया, 3 × 2 = 5, 1, आई थिंक 1 एम्पियर, लेट्स सी इज इट ओके और नॉट, 1 आ रहा है नहीं आ रहा ऑप्शन में, यस 1 इज देयर, व्हाट इट मींस, आराम से देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। ठीक है, सिंपल सा आपको ये मालूम होना चाहिए था एन बी ए ओमेगा ई मैक्स की वैल्यू होती है, उसमें रेजिस्टेंस का डिवाइड करना, आपके सामने आंसर है, कौन से ईयर में आया और देख लो शायद लास्ट ईयर आया 2022, ये लेवल है। ठीक है, और मैंने क्वेश्चन को जमा रखा है अपने अपने सब टॉपिक के अकॉर्डिंग। अब देखो इसी टॉपिक से और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी लंबी प्रणालिका का व्यास दे रखा है, इसमें तार के फेरों की संख्या भी दे रखी है प्रति मीटर, इसके केंद्र पर इतनी त्रिज्या का इतने फेरों वाली कुंडली रखी हुई है, भैया तगड़ी वाली बात है, तो एक काम करते हैं प्रणालिका बना ही लेते हैं। ठीक है, और इसके केंद्र पर एक छोटी सी रखी हुई है त्रिज्या वाली और छोटे से फेरे हैं। ठीक है, और दोनों की अक्ष संपाति है, इसका ध्यान रखना, संपाति मतलब कॉन्ग्रुएंट लिखा होगा यहां पर। ठीक है, अभी इंग्लिश भी पढ़ लेंगे, एक बार पहले हिंदी पढ़ लेते हैं। प्रणालिका से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान एक स्थिर दर से कम हो रहा है और 0.05 सेकंड में 4 एम्पीयर से शून्य हो जाता है। ठीक है, यदि कुंडली का प्रतिरोध 10 पाई स्क्वायर ओम है तो इस अंतराल में कुंडली से प्रवाहित कुल आवेश बताओ। अब बच्चा लो, पहले तो बात है कुल आवेश है क्या, तो कुल आवेश का सूत्र याद रखना बेटा, डेल्टा क्यू, एनसीईआरटी में सॉल्ड एग्जांपल से जस्ट ऊपर ये फॉर्मूला दे रखा है, डेल्टा क्यू का बच्चा लो जो सूत्र है वो है डेल्टा फाई, जो फ्लक्स में चेंज हुआ उसमें रेजिस्टेंस डिवाइड कर दो। फ्लक्स चेंज कैसे हुआ, साफ फ्लक्स चेंज हुआ, पहले तो इतनी एम्पीयर धारा बह रही थी, अब धारा हो गई 0। ठीक है, तो फ्लक्स में चेंज देख लेते हैं, आओ फ्लक्स में चेंज, पहले तो फ्लक्स इनिशियली कितना था और फाइनली कितना था, फाइनली तो हो गया 0 क्योंकि करंट है ही नहीं। ठीक है, करंट है ही नहीं तो मैग्नेटिफील्ड कहां से आएगा, मैग्नेटिफील्ड नहीं है तो फ्लक्स कहां से आएगा, तो शुरू में करंट है यस, तो फॉर्मूला आएगा एन फाई है ना, एक लूप से रिलेटेड कितना है, तो एन किसका, बड़े वाली कॉइल का, राइट बिग, और एन इंटू फाई, फाई फोर वन लूप, एक लूप से रिलेटेड कितना फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है, कितना फ्लक्स लिंक्ड हो रहा है, तो ये जो n बिग है ना वो तो इस वाले का, ये n बिग दे रखा है आपको, इसमें तार के फेरों की संख्या, तो ऐसे बोल दो ये जो n बिग है ना इसको थोड़ा चेंज कर लो नाम, फाई जो है वो है कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है। ठीक है, तो फ्लक्स जो लिंक हुआ इसमें से बिग और स्मॉल की जगह आप इस तरह से नाम दो, ये तो आ रहा आपका n, छोटे वाले लूप का काउंट कहां गया, n, ये रहा 100 फेरों वाली एक कुंडली, दोनों की अक्ष संपाति है,
तो बिग मत लिखो इसको, क्योंकि ये तो अंदर रखी हुई है, तो इसको आप छोटी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसको हो गया एन, हो गया आपका 100, और फाइ एक लूप से रिलेटेड। अब आ जाओ आप, ये इसके एक लूप से रिलेटेड कितना फ्लक्स जा रहा है, वन लूप से रिलेटेड, ठीक है। अब इसके एक लूप से फ्लक्स निकालने के लिए आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो ऑब्वियस इसी खुद का ही लेंगे, तो इसका खुद का एरिया कितना दे रखा है, ये देखो दे रखा होगा एरिया छोटे वाले, ये रहा इसके केंद्र पर इतनी त्रिज्या, ये इसका एरिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो लेंगे बड़ी वाली कॉइल का, तो फ्लक्स में आएगा बी इंटू ए, यहां बी लिखो बिग, एन इसको आप यहां पर चेंज कर सकते हो, यहां आप इसको एन को स्मॉल लिख सकते हो, है ना। कितने एरिया से, या कितना ऐसा बोल दो, कितने एरिया से आपका फ्लक्स लिंक हो रहा है। तो ऑब्वियस आप मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत बड़ा बड़ा बना दोगे, लेकिन लिंक तो छोटी वाली कॉइल से हो रहा है ना, तो छोटी वाली कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स, एक लूप से कितना फ्लक्स आया, तो बी, फाई का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है, बी इंटू एरिया, तो बी किसका, बड़े वाले ने कितना जनरेट किया, तो बी बिग, और एरिया कौन से वाले का, एरिया छोटे वाले का, क्योंकि आप कितना ही बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बना लो, लिंक तो छोटे वाले से कर रहे हो ना, ए स्मॉल। तो ध्यान रखना इस चीज को, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। इसको वैल्यू को मैं सॉल्व कर देता हूं, 100 इंटू बी बिग। अब बी बिग निकालने के लिए फॉर्मूला है, सॉलनॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट एनआई तो होता है, तो ये लो म्यू नॉट एनआई आ गया। और एरिया स्मॉल का, स्मॉल का एरिया निकालने के लिए ये दे रखा 0.01 मीटर रेडियस, तो पाई आर स्क्वायर 0.01 मीटर स्क्वायर। तो 100 तो आपका ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स छोटी वाली का, ना स्मॉल लिख दिया मैंने, फाइव वन लूप से रिलेटेड बड़े वाले ने जनरेट कितना किया, और छोटे वाले ने लिया कितना एरिया छोटे वाले का। अब आपको बात आती है, फ्लक्स तो आ गया, आपको निकालना था डेल्टा क्यू आवेश। तो चेंज इन फ्लक्स, अब एक फ्लक्स तो जीरो है, एक ही फ्लक्स आ रहा है, उसी का ही मान रख दो फ्लक्स, उसमें समय सॉरी रेजिस्टेंस कितना है वो डिवाइड कर दो। रेजिस्टेंस आपको दे रखा है, अभी देखते हैं पीछे क्या दे रखा है। सबसे पहले तो फ्लक्स निकालो 100 म्यू नॉट 4 पाई 10 की पावर -7 इनटू आई, आई कितना दे रखा था, शायद 4 दे रखा था, क्या था, यस 4 दे रखा है आई, 4 इनटू इधर आ गया पाई इनटू 0.01 10 की घात -2 की पावर 2, तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। अब रेजिस्टेंस देख लो बच्चा लोग, रेजिस्टेंस क्या दिया है, 10 पाई स्क्वायर दिया है। देखो कितना इजी है, इस चीज को समझो, कैलकुलेटिव नहीं है, पाई स्क्वायर दे दिया, देखो 2 पाई आ रहे थे, दोनों पाई कट गए, कट गए, ठीक है। अब 10 से ये कट गया, यहां 10 बचा, ठीक है, इस 10 को भी उड़ा दो, यहां से -3 बच जाएगा, 10 की पावर -3, और -3 और -7 ये हो गया -10, और 4 × 4 ये हो गया 4 × 4 16, ठीक है। तो यहां से तो आ गया 16, 4 × 4 16 हो गया, और कुछ बच रहा है म्यू नॉट आ गया 4 पाई एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या दे रखा था, ये शायद रह गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये टर्म रह गई 2 × 10⁻⁴, तो म्यू नॉट रख दिया, आई रख दिया, एन रह गया था, तो इंटू 2 × 10⁻⁴ एक बार और देख लो, यस 20,000 और रह गया, तो 4 × 4 16, 16 × 2 32 तो यहां से हो गया था, और यहां से आया था -10, -10 और +4 हो गया -6, तो 32 माइक्रो आ रहा है, 10 की पावर -6 को अपन माइक्रो लिख सकते हैं ना, है क्या, यस 32 माइक्रो। तो इतना कैलकुलेटिव नहीं है, बट ध्यान रखना जो फाइ आप इनिशियली लिंक्ड कर रहे हो, कर किस में रहे हो, छोटे वाले में कर रहे हो, तो छोटे वाले नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। फ्लक्स लिंक कर रहे हो तो फ्लक्स में क्या से लिंक करोगे, मैग्नेटिक फील्ड से करो, तो मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, बड़ा वाला म्यू नॉट एन आई, तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें आएंगे, म्यू नॉट एन आई इसमें आएगा, इसके भी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, और जो एरिया ले रहे हो वो लोगे हमेशा छोटे वाले का, ये अगले क्वेश्चन में भी बताऊंगा मैं आपको। तो एरिया छोटे वाले का, नंबर ऑफ टर्न छोटे वाले का, और मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले का, इससे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए
अगले क्वेश्चन में चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान देखिएगा, मजा आएंगे। कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र स्मॉल आर त्रिज्या के किसी क्षेत्र में सीमित है, यह चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ डीबी वेक्टर बटे डीटी की दर से परिवर्तित होता है। नीचे दिए गए आरेख में दर्शाए अनुसार त्रिज्या कैपिटल आर विच इज ग्रेटर देन आर स्मॉल आर का पाश एक, ये देख लो, बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या, ये छोटी त्रिज्या तो मैं दिख नहीं रही है तो ये दिखा देता हूं, ये रही स्मॉल आर, क्षेत्र को परिबद्ध करता है, का कैपिटल आर त्रिज्या का पाश दो, ये रहा पाश नंबर दो, ये रहा चुंबकीय क्षेत्र की सीमा से बाहर हो जाता है, मतलब यहां पर आसपास कोई चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान बताइए दोनों लूप से संबंधित, ठीक है। ऑप्शन शायद अगले पेज पर दे रखे हैं, आओ पहले बात करते हैं, पहले इंग्लिश में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रेस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस स्मॉल आर, अंदर वाले के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट अ रेट डीबी बाई डीटी, डीबी बाई डीटी से रेट से वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी हो रहा है, ऐसा नहीं कॉन्स्टेंट है। यूनिफॉर्मिटी और कॉन्स्टेंटिविटी अलग होती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब होता है कि भाई आप क्षेत्र के अनुसार, एरिया के अनुसार, राइट, किस प्रकार आप डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और एक होता है टाइम डिपेंडेंसी, सॉरी, तो टाइम के साथ आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्रकार चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म तो ये है एरिया वाइज, राइट, और टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। लूप वन ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर एंड क्लोजेस द रीजन स्मॉल आर, एंड लूप टू ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज आउटसाइड द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एज फ्रॉम द फिगर। मैग्नेटिक फील्ड यहां है, यहां नहीं है, और यहां पर भी छोटे वाले के अंदर ही रेस्ट्रिक्टेड है एज फ्रॉम द फिगर बिलो। देन द ईएमएफ जनरेट्स इज, अब आप ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देखो, माइनस डीबी अपॉन डीटी पाई आर स्क्वायर इन लूप वन, लूप टू में कितना होगा, अच्छा आर कौन सा होगा, स्मॉल आर होगा कैपिटल आर होगा, लूप टू में होगा कि नहीं होगा, जीरो होगा किस में जीरो होगा, ये चीज देखते हैं। तो वापस से मैं डायग्राम की तरफ चलता हूं, अब इस डायग्राम को देखो यार भाई, इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड कहीं है ही नहीं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है ई डी फाई बाई डीटी, तो जब फ्लक्स चेंज होगा समय के साथ तभी तो ई आएगा भाई, इसमें तो फ्लक्स ही नहीं है, तो क्या चेंज करोगे, कुछ नहीं, जीरो। तो भाई दो ऑप्शन तो आपके बन ही गए, लूप टू में जीरो ये गलत हो गया, और जीरो इन लूप टू, हाँ एक गलत हो गया। अब इन तीनों में से सही कौन सा है, आओ देखते हैं। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिंक तो है लेकिन पूरे एरिया में नहीं है, जैसा मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में कहा था, जनरेट तो बड़ा वाला कर रहा है, लिंक छोटे वाले में हो रहा है। यहां केवल कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, छोटे वाले में है, तो जो एरिया आएगा वो छोटे वाले का लेंगे। चलो अब मैं पहले वाले लूप के लिए ईएमएफ निकालता हूं, माइनस डी फाइव बाई डी टी, माइनस डी फाइव बाई डी टी, फाइव होगा बी इंटू एरिया, एक ही लूप है वरना एन लगाते इसके अंदर, एरिया आपका कांस्टेंट है, बी आपका चेंज हो रहा है, एरिया कौन सा वाला, छोटे वाले का, कॉमन बोल सकते हो इसको आप, इसको मैं जनरली कॉमन एरिया बोलता हूं, मैं छोटे वाले का ले लो एरिया, ठीक है। तो कॉमन एरिया कौन सा है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, जितने के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है उसी के बाद देखो बड़े वाले से हमें क्या मतलब, पाई आर स्क्वायर, और ये माइनस तो आएगा ही, और डीबी बाई डीटी आप साइड में पटक दो, कोई ना कोई रेट है, वो रेट आपको नहीं दी गई है, ऑप्शन में भी डीबी बाई डीटी लिखा हुआ है। तो कौन सा एरिया आया, माइनस पाई आर स्क्वायर, थर्ड वन इज देयर। तो ये तो बोलता है कि जीरो हो जाएगा लूप वन में, लूप वन में जीरो कैसे हो जाएगा, वहां तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फील्ड भी है और फील्ड टाइम के साथ चेंज भी हो रहा है, तो जीरो तो नहीं हो सकता, जीरो होगा सेकंड वाले के अंदर, फर्स्ट वाले में जीरो नहीं होगा, और फर्स्ट वाले में क्या आंसर आएगा, छोटी वाली रेडियस आएगी, ध्यान देना, राइट। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये देखो एक और क्वेश्चन, आर वन आर टू त्रिज्याओं की दो चालकीय वृत्तीय लूप एक तल में समकेंद्रित रखी है, यदि R1 R2 से बड़ा है तो उनके मध्य पारस्परिक प्रेरकत्व कैपिटल M समानुपाती होगा। चलो एक लूप ये रहा, एक लूप ये रहा, R1 कौन सा है, बड़ा वाला, R2 कौन सा है, छोटा वाला,
अब उसने प्रेरकत्व एम पूछा है, एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूं बच्चों के लिए. टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रेडियस आर वन एंड आर टू प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग इफ आर वन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस एम बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अब सुनो, आप ध्यान दीजिए, यदि आप बड़े वाले के अंदर करंट फ्लो करवाते हो और छोटे वाले के अंदर आप एम देखते हो, म्यूचुअल इंडक्टेंस देखते हो कितना फ्लक्स लिंक हुआ, तो फॉर्मूला बनता है एम आई इक्वल्स टू एन फाई. अब ध्यान से, लिंक किस में कर रहे हो, अंदर वाले में टू एन टू, ऐसे एन उसमें है नहीं, एक ही एन तो बात ही नहीं करी हुई, वैसे ये प्रोपोर्शनलिटी देखनी है तो एन से तो मतलब है नहीं. फ्लक्स किस में लिंक कर रहे हो, छोटे वाले में, तो फ्लक्स आएगा स्मॉल वाले में एम आई का डिवाइड कर देंगे. अब ध्यान देना एन टू, अब जो मैंने अभी तुमको कहा था कि छोटे वाले में फ्लक्स देख रहे हो, फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया तो छोटे वाले का है ही, बट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कौन कर रहा है, बड़ा वाला सर्कुलर लूप. तो जब यहां पर आप लिखोगे बी इंटू ए, तो बी तो आएगा बिग वाले का, एरिया आएगा स्मॉल वाले का, जिसको मैं बोलता हूं कॉमन एरिया, आप कॉमन एरिया भी लिख सकते हो, और आई आप डिवाइड कर दोगे. अब आपको केवल प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, यदि मैं एम की प्रोपोर्शनलिटी देखूं तो आएगा बी ऑफ बिग और एरिया ऑफ स्मॉल. बी ऑफ बिग मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले का सर्कुलर के कारण, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एम, यदि एन बड़े वाले का, आई अपॉन टू आर, राइट. आर कौन सा बड़े वाले का, शायद आर वन दे रखा है, चेक करें. बड़े वाले का आर वन माना है अपन ने, और एरिया छोटे वाले का पाई आर टू स्क्वायर, तो प्रोपोर्शनल हो गया आर टू का स्क्वायर और आर वन, बाकी तो सब नंबर्स हैं, और इसमें डिवाइड आई भी करते हैं तो वो आई से आई कट जाएगा. नंबर ऑफ टर्न्स तो अपन देख ही नहीं रहे, यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स भी आएंगे, एन छोटे वाले का आएगा स्मॉल वाले का, तो अपन देख ही नहीं रहे, अपन तो प्रोपोर्शनलिटी देखनी है. तो मैंने देखो क्या कहा, एरिया कौन से वाले का जो न्यूमरेटर में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले का, एरिया कॉमन आर टू स्क्वायर. तो इसको ऑरली भी कर सकते हो, छोटे वाले का एरिया न्यूमरेटर में आएगा, आर टू स्क्वायर ऊपर आ रहा है केवल एक ऑप्शन में, केवल एक ऑप्शन में, ऐसे भी कर सकते हो. मैग्नेटिक फील्ड आएगा बड़े वाले का, बड़े वाले का मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, रेडियस कौन सी आएगी, बड़ी वाली आर वन, तो म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो आ जाएगा नीचे, आर वन आ जाएगा नीचे. ठीक है, इजी लगा, 21 में आया हुआ है, रिपीट हो सकता है, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन दे रहे हैं. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ए भुजा का एक वर्गाकार चालक फ्रेम कैपिटल आई धारावाही एक लंबे सीधे तार आरेख में दर्शाए अनुसार एक ही समतल में है. ठीक है, यह फ्रेम दाई ओर, देख रहे हो, यह फ्रेम दाई ओर एक स्थिर वेग v से गति कर रहा है, इससे फ्रेम में प्रेरित विद्युत वाहक बल समानुपाती होगा. एक बार इंग्लिश में पढ़ लेते हैं. A conducting square frame of side A, a long straight wire is carrying current I. I देखो current दिख रही है यहाँ पर. Are located in the same plane as on the figure. The frame moves in the rightward. ये जो frame है, this one, एक बार मैं highlight कर देता हूँ. ये v वेग से इधर जा रहा है, v velocity से. ठीक है? With constant velocity v, the EMF induced in the frame will be proportional to. तो अब मुझे आपको थोड़ा सा समझाना होगा कि यदि मेरे पास केवल एक वायर होता और यहां पर एक वायर इस तरह से रखा होता और उसकी वेलोसिटी v होती है, ठीक है, तो हम इस वायर के अंदर जो EMF जनरेट करते हैं वो करते हैं BLV. यदि आपको याद हो तो, यदि इसमें करंट I है, राइट, इसमें करंट I है और यहां से लेंथ इसकी L है, दिस वन, तो EMF जो होता है वो होता है BLV. ठीक है, अब तो ये बात हो गई इतनी सी क्लियर. और यदि यही वायर कुछ इस तरह से मूव करे, राइट, इस तरह से मूव करे, तो इसमें ईएमएफ आता है जीरो, क्योंकि इसकी कोई लेंथ नहीं है. ठीक है, कोई ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस नहीं करेगा, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्रॉस वाला, इसको ये कट कर रहा है, बट ये कोई कट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी विड्थ हम नेग्लिजिबल मानते हैं. इस तरह से यदि चीज आपको याद है तो मैं देखो इस फ्रेम को किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं. ये आपकी हो गई करंट कैरिंग वायर और ये हो गया आपका लूप.
लूप जा रहा है इस तरफ, ये वाला पार्ट भी इस तरफ जा रहा है, ये वाला पार्ट भी इस तरफ जा रहा है, होने को तो ये वाले पार्ट भी जा रहे हैं, बट इनमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। तो मैं इसको कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं कि जो ईएमएफ है वो इन दो वायर में तो कुछ है नहीं, इस वायर में ईएमएफ आएगा, इसमें आएगा बीएलवी अपना, इसमें अपना बीएलवी आएगा, ई1 एंड ई2। अब ई1 कितना होगा, ई2 कितना होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं थोड़ा पेज क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। तो ये तो हो गया सोर्स, और ये उस लूप को मैंने एक बैटरीज के साथ इक्विवेलेंट कर लिया, ऐसे बोल दो। इसमें आएगा बीएलवी, अब ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड, उसने जो डिस्टेंस दी है, ध्यान से देखो आप, उसने डिस्टेंस ये दिए ए, एक बार चेक कर लो, ठीक है, ये वाले तो ए दिए और ये दिया सॉरी एक्स, तो ये तो आपको दिया गया है एक्स, और ये आधी डिस्टेंस हो गई ए बाई टू। तो बताओ यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो गई, एक्स माइनस ए बाई टू, और ये वाली लेंथ हो गई एक्स प्लस ए बाई टू, ठीक है, समझना है इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैंने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ई1 ई2। अब बड़ा कौन सा है ये आप ध्यान रखो, सबको मालूम है कि e का फॉर्मूला है आपका बीएलवी, लेंथ दोनों की सेम है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड जितना दूर जाओगे उतना कम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा तो e भी कम हो जाएगा, मतलब e1 आपका बड़ा है e2 से, तो नेट जो ईएमएफ आएगा वो आएगा e1 माइनस e2, और उसकी प्रोपोर्शनलिटी पूछी है, तो यह जब दोनों का डिफरेंस लोगे तो दोनों के डिफरेंस में आएगा b1 माइनस b2, l और v तो कांस्टेंट हो जाएंगे, दोनों के लिए सेम है। तो अब आपको केवल प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर के लिए, सीधे तार के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, क्या होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, म्यू नॉट आई मैंने कॉमन ले लिया, 2π मैंने कॉमन ले लिया, और स्मॉल r जो होता है वो होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है अभी बताया x माइनस ए बाई टू, और b2 के लिए डिस्टेंस कितनी है ये है x प्लस ए बाई टू। अब आपको e नेट की केवल प्रोपोर्शनलिटी देखनी है, तो म्यू नॉट आई तो आप हटा दो, 2π हटा दो, अब इसको सॉल्व कर लो, ध्यान से आप पहले एलसीएम ले लो फिर सॉल्व करो, ठीक है, क्योंकि 2 का फैक्टर तो आप कहां रखोगे, तो यह जाएगा 2x माइनस ए और 2x प्लस ए, ये टर्म जाएगी इधर, ये टर्म जाएगी इधर, x से x कट जाएगा, a by 2 और माइनस a by 2 जुड़कर, क्योंकि यहां पर माइनस का सिंबल है, तो a by 2 प्लस a by 2 जाएगा आपका a, वो भी इतने का कॉन्स्टेंट ही हो गया, कॉन्स्टेंट ही हो गया, तो e नेट किसके प्रपोर्शनल आया, a हटा दो, 1 अपॉन 2x माइनस ए और 1 अपॉन 2x प्लस ए मल्टीप्लाई में आ रहा है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यस फर्स्ट ऑप्शन इज देयर, ध्यान से देखो बहुत सिंपल है, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं आपके लिए, ये जो वाला पार्ट है बस ये ध्यान रखो बीएलवी, जब वायर इस प्रकार चले कि दोनों वायर एक दूसरे के पैरेलल हो तो आप इस प्रकार से ईएमएफ में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, और सिंस आपका जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होता है तो ईएमएफ भी कम हो जाएगा, इन दो वायर के ईएमएफ का रिजल्टेंट निकाल लो, इफेक्टिव पार्ट निकाल लो, ये वायर तो कोई अपना ईएमएफ जनरेट करेंगे नहीं क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड को कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इजी लगा, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो 18 में आया हुआ है, इसी साल एम्स खत्म हुई थी, राइट, मतलब इस साल एम्स का पेपर अलग से हुआ था, किसी प्रेरक से 60 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर उस प्रेरक में संचित चुंबकीय स्थित ऊर्जा का मान 25 मिली जूल है, पता नहीं मुझे क्यों साइंस लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आने वाला है, इस प्रेरक का प्रेरकत्व है, आओ बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम के अंदर द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिली जूल व्हेन द करंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर This inductor is of inductance. उसका इंडक्टेंस बताना है, देखो U का तो भैया सब लोगों को फॉर्मूला मालूम है, हाफ बताओ L I square, राइट, क्या है फॉर्मूला, हाफ
एल आई स्क्वायर। चलो अब आपसे यहां से एल पूछा गया है, यू आपको दे रखा है, तो टू यू अपॉन आई स्क्वायर कर दो, एल आ जाएगा। टू यू कितना दे रखा है, 25 मिली जूल, 10 की पावर माइनस 3। आई कितना दे रखा है, 60 मिली एम्पियर, राइट, 60 मिली एम्पियर स्क्वायर कर लो, सॉल्व कर लो, देखो कितना आता है। तो 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर करोगे तो माइनस 6 आएगा, ऊपर जाके प्लस 6 हो जाएगा, तो 10 की पावर प्लस 3 बच जाएगा ऊपर से, 50 और प्लस 3, 3 जीरो तो यहां से हो गई, 60 का स्क्वायर नीचे कर लो 3600। अब दो जीरो उड़ा दो, 500 में 36 डिवाइड करना है, 250 के अंदर 18 और 125 में 9, आई थिंक 13 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 125 बटे 9, 90 से ऊपर मतलब 10 से ऊपर, एक ही तो ऑप्शन है, बाकी तो सारे ऑप्शन देखो कितने दूर दूर है, 10 10 का डिफरेंस है, इसका 13 10 टाइम्स 10 टाइम्स कम 100 टाइम्स, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंस है, तो 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, इसमें कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं लग रही है मुझे। क्यों भाई, अच्छा लगा क्वेश्चन, हमारे नहीं है, लास्ट ईयर आए हुए हैं क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और देखो, बहुत बच्चे डरते हैं इससे, बहुत ही सिंपल, निहायत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखें, चलो देखते हैं फिर हम जोश करेंगे। यहां दर्शाए गए परिपथ में 3 सर्वसम प्रतिरोधक, 2 सर्वसम प्रेरक और एक आदर्श बैटरी के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, सर्किट तो हमें दिख ही रहा है, हम क्यों पढ़ेंगे इसको, प्रत्येक प्रतिरोधक का प्रतिरोध दे रखा है, प्रत्येक प्रेरकत्व का प्रेरकत्व दे रखा है, बैटरी का विद्युत वाहक बल भी दे रखा है, तो स्विच को बंद करने के तुरंत पश्चात बैटरी से विद्युत धारा I का मान ज्ञात करो। देखो इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को समझने से पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, कई बच्चे बड़े से परेशान है, सर ये क्या है प्रेरकत्व, आओ बात करते हैं इंग्लिश में। फिगर शोज अ सर्किट दैट कंटेन्स 3 आइडेंटिकल रजिस्टर विथ रजिस्टेंस आर इक्वल टू 9.0 ओम ईच ऑफ 2 आइडेंटिकल इंडक्टर विथ इंडक्टेंस एल इक्वल टू 2.0 मिली हेनरी ईच एंड एन आइडियल बैटरी विथ ईएमएफ ई इक्वल टू 18 वोल्ट्स द करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड इज। तो स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद कितना होगा, आओ तो बेटा लोग ध्यान देना, एल जो है ना इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे करंट आएगी, जैसे करंट ऑन होगी, नहीं आप नहीं आ सकते, हाउ डेयर यू, आपने चेंज कैसे किया मुझे, चेंज हम अलाउ नहीं करते, तो इंडक्टर जो है वो एकदम से चेंज को अलाउ करने से मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं करना, जैसे आजकल नियम चलती ना नो वैसे वाला, तो एकदम से जब करंट जाएगी तो मना कर देगा, नहीं मुझे नहीं करंट फ्लो करवाने, तो आई हो गया इस ब्रांच से जीरो, तो जिस भी इंडक्टर जिस जिस ब्रांच में है वहां से तो करंट जाने से रही, यहां से करंट जीरो और यहां से करंट जीरो, तो वो जाएगी कहां से सर, ये लो यहां से आई, यहां से मना कर दिया, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से हो तो यहां चली गई, यहां से हो तो यहां चली गई, यहां चली गई, यहां से आ गई, ये लो सर्किट कंप्लीट, देख लो आराम से। तो कौन कौन सी ब्रांच गायब हो गई, एक तो ये ब्रांच गायब हो गई और एक ये ब्रांच गायब हो गई, अब ध्यान से देखो इस सर्किट को, ये वाली ब्रांच और एक ये वाली ब्रांच दोनों हो गई पैरेलल में, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दोनों का एंड पॉइंट सेम है, दीज टू ब्रांच आर पैरेलल, तो आर और आर हो गए आपके पैरेलल में, तो बताओ बैटरी से आई निकालनी है, बैटरी का ईएमएफ ई और दो ब्रांचेस जिनमें रेजिस्टेंस आर एंड आर, बताओ कितना होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर बाय टू, इजी है यार, सेम सेम ब्रांचेस यदि पैरेलल में हो, दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो, तो आधा कर दो इक्विवेलेंट, 2E by R कर लो, आंसर चेक करो कितना E है बच्चा लोग, 18, R कितना है 9, तो 18 का दुगना कर लो और 9 से डिवाइड कर दो, आई थिंक 4 एम्पियर, चेक इट, क्या यहां पर ऑप्शन है, अरे वाह 4 है, तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट कि आपको जो E है या इंडक्टेंस है उसमें से करंट फ्लो नहीं करवानी है, When the switch is being on, जैसे ही स्विच ऑन करोगे नो राइट याद रखोगे। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देखना मजा आएंगे।
तार का एक पार्ट किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो एक परिक्रमण में इसकी ईएमएफ की दिशा में परिवर्तन की आवृत्ति बताओ। ऐसा एक क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया हाफ वेव रेक्टिफायर से, अर्ध तरंग दिष्टकारी से, बाद में बताऊंगा उसको, पहले इसको देखो। अ वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन में चेंज कितना हुआ। तो ऐसा कि आपको मालूम है जब भी हम फ्लक्स के बारे में बात करते हैं बच्चा लोग, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए और एक टर्म आती है कॉस थीटा। तो ये तो हो गया आपका फ्लक्स, यदि मैं टाइम के साथ बात करूं वो लगातार घूम रहा है तो आप थीटा की जगह, किसकी जगह, थीटा की जगह रख सकते हो ओमेगा इंटू टी। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से बन जाएगा। और यदि मैं इसी के साथ ईएमएफ की बात करूं, यहां पर ईएमएफ डाल देता हूं, ठीक है, तो हम इसका डिफरेंशिएट कर लेंगे, वो साइन की टर्म बन जाएगी, तो वो आएगा कुछ इस तरह से। अब ध्यान देना, यदि इसकी फ्रीक्वेंसी पर रिवोल्यूशन बताओ, एक रिवोल्यूशन में कितनी बार, तो आप देखो एक रिवोल्यूशन में एक बार तो इसने पोलरिटी चेंज करी प्लस से माइनस, और दूसरी बार यहां कर ली माइनस से प्लस, एक बार यहां चेंज करी एक बार यहां चेंज करी, तो एक रिवोल्यूशन में दो बार इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी, इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्शन, कभी प्लस कभी माइनस कभी प्लस कभी माइनस। तो एक रिवोल्यूशन में हाउ मेनी टाइम्स, दो बार, ट्वाइस पर रिवोल्यूशन, दो बार उसने एक ही रिवोल्यूशन मतलब एक चक्र में दो बार उसने अपनी डायरेक्शन या दिशा को बदला, ठीक है, ओके। चलो ये तो है वो क्वेश्चन जो लास्ट से आ चुके हैं। यदि आपको ऐसे और भी क्वेश्चन चाहिए तो आप सब्सक्राइब करिए सीएलसी का यूट्यूब चैनल। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।